ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले? यहाँ पे हम जो है स्पैरोज देखेंगे, ये मेरा दूसरा आउटलेट है। हाँ ओके, जो कि बाजू में ही है। यहाँ पे स्पैरोज में आपको ऑस्ट्रेलियन वैरायटीज है, कुछ अफ्रीकन वैरायटीज है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन वैरायटीज में आपको दिख रहा होगा जो आप बीच में देख रहे हो, ये स्टार फिंच है। ओके, जो रेड एंड येलो बीक के इसमें है वो स्टार फिंच है। उसके बाजू में जो है घूम रहा है वो लॉन्ग टेल स्पैरो है, लॉन्ग टेल फिंच बोलते हैं वो है। उसके बाजू में कट थ्रोट का फीमेल है। कट थ्रोट? यस, कट थ्रोट का फीमेल है। कट थ्रोट इसलिए क्योंकि आपको मेल दिखा देता हूँ, साइड में बैठा है देखिए रेड पे, इसके कॉलर पे देख सकते हो आप रेड है। हाँ हाँ, तो जो मेल होता है उनका थ्रोट जो होता है रेड कलर का होता है, इसीलिए वो कट जैसे दिखता है, इसलिए उनको कट थ्रोट कहा जाता है। ओके, और बाजू में स्टार फिंचेस है। ये सब एक्जोटिक में आते हैं? सारे एक्जोटिक फिंचेस हैं। स्मॉल बर्ड में स्टार्टिंग रेंज फॉर अ पेयर 3000 से स्टार्ट होता है। ओके, और ये काफी अच्छी कंडीशन में है, रेडी टू ब्रीड बर्ड्स है। अगर किसी को फिंचेस ब्रीडिंग का शौक है तो आप जल्दी कलेक्ट, मतलब स्मॉल बर्ड्स में किसको अच्छे म्यूटेशंस रखना है तो ये बेस्ट बिल्कुल है ना। मैं आपको ब्रीडिंग के कुछ और सेटअप भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी सेट पेयर्ड है। ओके, इसमें आउल फिंच है, ओके, लॉन्ग टेल फिंच है और एक गोल्डन फिंच है। गोल्डन फिंच भी ये जो है ब्रीडिंग पेयर है, एग लेइंग है, बट गोल्डन फिंच अगर आप रखते हो तो आपको फोस्टर पेयर की बहुत जरूरत है। अगर कभी भी आप बर्ड ब्रीड कर रहे हो उसके पहले आप कहीं ना कहीं से नॉलेज जरूर गेन करना, आपको ब्रीड कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आउल फिंच है नेस्ट बॉक्स के ऊपर, वहाँ पे लॉन्ग टेल फिंच है और ये साइड में एक छोटे से केज में आपने कितने पैर दिए? आप एक साइज अराउंड 2 feet by 2 feet का जो केज है उसके अंदर आप आराम से 4 पेयर्स ऑफ एक्सोटिक फिंचेस रख सकते हो, इजीली ब्रीड कर सकते हो। ठीक है, तो सारे सेट पेयर्स है ना, अगर किसी को ये पूरा सेटअप भी चाहिए एक 4 पेयर्स का तो भी अवेलेबल है। ठीक है, आपने सूरज भाई से कॉन्टेक्ट करें इसके लिए। इसमें जो गोल्डन फिंचेस है उनका जो प्राइस है वो आएगा 4500। तो उसमें सारे अलग अलग फिंचेस के अलग अलग प्राइसेस है, तो सब आपको एक मतलब काउंट में करके आपको सेटअप का प्राइस बता देंगे। सूरज से कांटेक्ट करिए उसके लिए। और कुछ है एक्जोटिक में? और ये गिनी पिग्स आपको मैंने बताया। हाँ हाँ, गिनी पिग्स है ना। और ये रैबिट्स है, ये अंगूरा नहीं है, ये टेडी रैबिट है। हाँ। ये अंगूरा जैसे इसके फर वगैरह भी रहते हैं। ओके, ये जो है ये सेलिंग का नहीं है, बट इसके बेबीज है मेरे पास, आपको दिखा देता हूँ। यस, अभी दो ही बेबीज बचे, बट आप नॉर्मल रैबिट से देख सकते हो इसके फर कितना है। हाँ, इसके फर ज्यादा होते हैं। इसका फर जो है इसका टेडी रैबिट्स बोलते हैं। ये टेडी रैबिट्स है। यस, ये भी एक्जोटिक्स में आते हैं। ये मतलब एक्जोटिक नहीं, नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल कैटेगरी में, बट इसके फर ज्यादा होता है। आपको रैबिट्स का क्या है नॉर्मली? ये वाला जो है 1000 rupees फॉर अ पेयर आएगा। 1000 rupees में आपको पेयर मिल जाएगा, तो बेस्ट रेट है। ठीक है, नॉर्मल रैबिट से तो अच्छा है कि यही रैबिट्स रखे और उनका साइज वगैरह भी बड़ा है। रैबिट्स वगैरह में कुछ भी चाहिए होगा, जैसे कि आप मिनी लुप्स है, हॉलन लॉक्स है, आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको मेक ऑन ऑर्डर आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। Okay. जो भी चाहिए स्पीसीज आपको एक्जॉटिक में मिल जाएगी। मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो कोई भी अगर इसमें पेट्स आपको अच्छा लगा हो सूरज से कॉन्टेक्ट करिए उसके लिए, और भी डिटेल्स सूरज आपको बता देगा, गाइड कर देगा। ठीक है सूरज, तो डिलीवरी वगैरह आपके पास पॉसिबल है? वगैरह पॉसिबल है इनसाइड मुंबई एंड पुणे एंड गुजरात वगैरह, जहाँ जहाँ तक पॉसिबल हो आप करवा दोगे विद एक्स्ट्रा चार्जेस। ओके, ठीक है गाइस, तो टिल देन थैंक यू। ओके, बाय। ओके।